हेलो फ्रेंड्स, कमर किचन में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए कितना अच्छा हमारा पनीर चिली बनकर रेडी हुआ है और खाने में भी बहुत लाजवाब है। तो देखिए कितना जूसी जूसी सा हमारा पनीर चिली बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए आज हम बनाते हैं पनीर चिली। तो उसके लिए हमने इस तरह से सारी सब्जियों को धोकर अच्छे से इस तरह से हमने कट कर लिया है। प्याज को इस साइज़ में काटा है और लहसुन बारीक चॉप किया है, अदरक और हरी मिर्च, शिमला मिर्च को हमने चौकोर में इस तरह से काट लिया है, एक टमाटर लिया उसको भी हमने बारीक चॉप किया है, हरी धनिया महीन से काट लिया है और सोया सॉस एक चम्मच, एक चम्मच हमने ये लिया है विनेगर और रेड चिली हमने इस तरह से हल्का सा पानी से घोल लिया है और इस तरह से देखिए चौकोर में हमने पनीर काट लिया है। तो चलिए हम बनाते हैं आज पनीर चिली। तो पहले हम दो चम्मच हमने अरारोट पाउडर लिया है और एक चम्मच मैदा और हल्का सा एक चौथाई चम्मच हमने नमक लिया है इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। और इसमें हम अच्छे से दो चम्मच लेकर, दो से तीन चम्मच हम इसमें अच्छा सा कोट तैयार करके अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें कोट लगाएंगे। हम रेड चिली को भी इस तरह से इसमें ऊपर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा पनीर का। एक चम्मच और लेकर हम इसमें अच्छे से मिला देंगे। अभी हमने जो इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है ना, अरारोट का पाउडर, इससे हमारी पनीर बहुत क्रिस्पी बनेगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा, ऊपर से बहुत क्रिस्पी बनेगा और खाने में बहुत टेस्टी रहेगा। अब इनको हम हल्की मीडियम आंच में सबको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसमें पनीर का हमारा। इन सबको उलट पलट कर हम अच्छे से सेक लेंगे, फ्राई कर लेंगे और अब हम इसको निकाल लेंगे। कितना प्यारा कलर आ गया देखिए, क्रिस्पी हमारा रेडी हुआ है एकदम बन के। अब बाकी के भी पनीर हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है, इसको भी हम निकाल लेंगे। अब इसमें जो तेल है इसको हम अलग बाउल में निकाल लेंगे और सिर्फ हम दो छोटे चम्मच इसमें बचाएंगे तेल। तो देखिए हमने तेल निकाल लिया है, अब इसमें हम मीडियम आंच रखेंगे और इसमें हम बारीक चॉप किया अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल के अच्छे से सॉटे करेंगे और प्याज भी ऊपर से हम डाल देंगे अब हल्का से ये हो जाए तो। तो देखिए इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है, हम प्याज जो काट के रखे हैं इसको भी हम डाल देंगे इसमें और बढ़िया से मिक्स करेंगे। इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, अब बाकी के शिमला मिर्च और टमाटर जो चॉप करके रख बड़े साइज़ में काट काट के रखा था उसको भी हम इसमें डाल देंगे।
और बढ़िया सा मिक्स करेंगे। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि हमने उसमें भी नमक डाला था, पनीर में भी हल्का सा, तो वही हिसाब से हम डालेंगे। अब इसे अच्छे से सॉफ्ट होने तक बस पकाएंगे मीडियम आंच पे, हल्का सा, बहुत नहीं पकाना है, थोड़ा सा कच्चा ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं। अब इसमें हम रेड चिली जो बचाए हुए थे उसको भी हम डाल देंगे इसमें। इससे कलर बहुत प्यारा आएगा। और ये सोया सॉस एक चम्मच, इसको डाल देंगे। एक चम्मच विनेगर, और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस पर एक ढक्कन से हम बंद करके 2 मिनट तक हम सॉफ़्ट होने के लिए पकाएंगे। हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसमें 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, और इसको बढ़िया सा पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो देखिए बढ़िया सा हमारा ये सॉफ्ट हो गया है वेजिटेबल्स। अब इसमें हम 2 चम्मच भरकर टमाटर सॉस डाल देंगे। और 1 चम्मच भरकर रेड चिली सॉस डाल देंगे। इससे हमारे पनीर चिली की बहुत बढ़िया टेस्टी बनेगा। देखिए कितना जूसी हमारा बना हुआ है। अब इसमें हम जो अरारोट, अरे वो कॉर्न फ्लोर डाले थे ना, उसको हम इसमें डाल देंगे। और एकदम आँच एकदम स्लो रख देंगे इतने टाइम। अब इसमें जो फ्राई किए थे पनीर वो डाल देंगे, और बढ़िया सा मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स ये झटपट से रेडी हो जाता है, इसमें कोई झंझट नहीं, और बहुत आसान ये रेसिपी है। एक बार आप भी ट्राई करिए, बहुत टेस्टी बनता है ये, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने बनाया इसको, जूसी जूसी सा। तो देखिए इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। इसका आँच हम स्लो रखेंगे, बढ़िया सा मिक्स कर देंगे। इतनी देर पकाएंगे कि बस थोड़ा सा ये रस बस जाए बस। और इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी धनिया डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमारा पनीर चिली बनकर रेडी हो गया है। अभी इसे हम प्लेट में निकालते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया बन के रेडी हुआ हमारा पनीर चिली। तो अब हमें रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं, और घर पे ही हम बनाकर इसको इसका एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया हमारा बनकर रेडी हुआ है, लग रहा है ना रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चिली। तो आप भी इस तरह से बनाइए और एंजॉय करिए। इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है देखिए। तो अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हिम्मत मिलती है।
तो कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।